हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 4। आपने देखा होगा पिछले 3 लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बेसिक हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ टिपिकल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऐसा ही रहना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पेपर बहुत सिंपल आता है, पर अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इतने फॉर्मूले हैं, एक याद करो दूसरा भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन सिंपल है, मीडियम है, टिपिकल है। आपको अपना रिवीजन करना है, बस इसी पे ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीकैप सीरीज का रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4। और ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन की थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, तो आई इक्वल टू 2R इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, तो आई इक्वल टू 2R। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो अगर आई 2R है तो यहां से हम R को क्या लिख सकते हैं, आई बाय टू। तो ये लिख देते हैं म्यू इक्वल टू, देखिए साइन आई अपॉन साइन आई बाय टू। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू 2 sin θ बाय 2 cos θ बाय 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin आई बाय 2 cos आई बाय 2, और ये नीचे भी है साइन आई बाय 2। बेसिक क्वेश्चन है, कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या मिला, म्यू इक्वल टू 2 cos आई बाय 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 cos आई बाय 2 इक्वल टू म्यू cos आई बाय 2 इक्वल टू म्यू बाय 2। cos को उधर ले जाइए, आई बाय 2 इक्वल टू cos इनवर्स म्यू बाय 2, आई इक्वल टू 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2। तो सरल सवाल था, पेपर में भी सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, म्यू इक्वल टू 2 cos आई इक्वल टू 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2, 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2। सीधा सीधा सवाल, पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज मालूम होना चाहिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin θ बाय 2 cos θ बाय 2। तो साइन आई को हमने लिख दिया 2 sin I बाय 2 cos I बाय 2 sin I बाय 2, कैंसिल हो गया, फिर क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रिज्म पर बेस क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहली बात है इक्विलेटरल प्रिज्म, तो प्रिज्म का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो देखिए आई इक्वल टू क्या दिया है, ई। आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के कब बराबर होता है, जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन की पोजिशन में रखा होता है, जब प्रिज्म मिनिमम डिविएशन की पोजीशन में रखा होता है, ठीक है। एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल। लेटर, यहाँ का लेटर का मतलब है पहले इंसिडेंस आया फिर लेटर में आया इमरजेंस, तो इक्वल टू 3/4 ऑफ ए द एंगल ऑफ डिविएशन इज। तो देखो सबसे पहली बात, सिंस आई इक्वल टू ई, तो ये क्या हो गया, प्रिज्म की पोजीशन कैसी हो गई, प्रिज्म इज इन मिनिमम डिविएशन, वो कहाँ रखा हुआ है, मिनिमम डिविएशन में रखा हुआ है। तो ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इक्वल टू 2i, और 2i आपको दिया हुआ है। अब देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i, ए
प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 2i, और i दिया हुआ है आपको 3/4 ऑफ a। अब इक्विलेटरल प्रिंसिपल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो आप देखिए इस इक्वेशन में आप a को कितना रख दीजिए, 60 डिग्री रख दीजिए, तो ये हो गया 60 प्लस डेल्टा एम। आराम से करिए, और यहां पर हमें थोड़ा एक करेक्शन करना पड़ेगा, 2i था तो i होगा 3/4a। यस, ये करेक्शन है, तो ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3/4, a की वैल्यू रख दी 60, तो ये 4 इसको 15 बार कैंसिल कर देगा, तो 60 प्लस डेल्टा m 2 × 6 × 15, 6 × 15, तो 60 प्लस डेल्टा m 90 होगा, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। बहुत सरल सवाल था, इजी सवाल था, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल कितना होता है, इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये दिया हुआ था। तो सवाल सिंपल था, पेपर सिंपल आता है, तो ये भी और वो भी उसमें भी नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमारा रिवीजन नहीं होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस म्यू म्यू वन म्यू टू इफ द बिहेवियर ऑफ लाइट रेस एज शोर इन द फिगर। तो फिगर में देखिए कॉनकेव लेंस दिखाया गया है, और कॉनकेव लेंस लाइट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ रहा है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर डाइवर्ज करता है, तो लेंस अपना बिहेवियर बदल रहा है। तो अब देखिए इसका आंसर निकालना बहुत सिंपल है, देखिए पहली चीज, ये म्यू वन है, ये देखिए लाइट रे मुड़ नहीं रही है, यहां तक नहीं मुड़ रही है, जब इसमें एंटर करती है तो भी नहीं मुड़ती है, तो इससे ये तो पता चल जाता है कि म्यू वन किसके बराबर है, म्यू के बराबर है, म्यू वन लेफ्ट लेफ्ट हैंड पर जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, म्यू लेंस के मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। दूसरी बात, लेंस अपना बिहेवियर बदल रहा है, कन्वर्जिंग की जगह कैसे डाइवर्जिंग होने की जगह क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग, तो एक लेंस अपना बिहेवियर कब बदलता है, सवाल यह है कि एक लेंस अपना बिहेवियर कब बदलता है, जब मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जब मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के, लेंस के मटेरियल के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो यहां तो हमें पता चल गया म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू, तो म्यू और म्यू वन तो बराबर है, तो देखिए ये आपका आंसर आ गया करेक्ट। वाई म्यू इक्वल टू म्यू वन, बिकॉज देर इज नो बैंडिंग, बैंडिंग यहां हो रही है, ये देखिए, तो लाइट रे बैंड कब हो रही है, इस मीडियम से इस मीडियम में जाते वक्त बैंड नहीं हो रही, ये थोड़ा फिगर को ऐसा करिए, तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मैं इसे कहना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम में अगर किसी को डाउट है तो एक बार हम इसको फिर बना सकते हैं। तो देखिए ये लेंस हमने बना दिया, ये लाइट रे आई, ये देखिए ये मुड़ी नहीं, और फिर यहां आकर ऐसे मुड़ गई, ये म्यू है, म्यू वन है और ये म्यू है, क्योंकि लाइट रे में बैंडिंग नहीं हुई, इसलिए म्यू वन मस्ट बी इक्वल टू म्यू, अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, बिहेवियर बदल लिया, कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग हो गया, बिहेवियर बदल लिया, इसका मतलब म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बड़ा सरल सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आप करें, A fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index is 4/3 and fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle in centimeter. तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, क्योंकि रिविजन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत थियोरिटिकल रिविजन भी होना चाहिए। ये देखिए
ये हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है जो फिश देखती है, और यहाँ पर फिश है, तो यहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज हैं तो ये देखिए ये आपकी फिश है, और फिश से चलने वाली लाइट रेस यहां रिफ्रैक्ट होकर मीडियम में जा रही है। तो फिश आउटसाइड वर्ल्ड को एक सर्कुलर अपर्चर के थ्रू देखती है, और हमें पूछा गया इसकी रेडियस कितनी है। अब फिश की डेप्थ कितनी दी गई, डी, और ये एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल, तभी तो लाइट रे बाहर जा सकती है। लाइट रे पानी से हवा में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है, क्रिटिकल एंगल। तो ये आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए, ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल बन गया, और ये एंगल हमारा कितना है, सी क्रिटिकल एंगल, और ये क्या है, डी, ये क्या है, आर, और पाइथागोरस लगा दो तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब साइन सी लगाओ, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है आर, हाइपोटेनस है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन सी को आप लिख सकते हैं 1/μ आर अपॉन रूट ऑफ, आपको फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो 1/μ = आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर को एक तरफ रखिए, आर स्क्वायर को कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर को लिखिए डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन, आर इक्वल टू डी अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो उस सर्कुलर अपर्चर की जिससे वो फिश बाहरी दुनिया को देखती है उसकी रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब फिश की डेप्थ कितनी है ये देख लेते हैं, फिश की डेप्थ है 12 और म्यू है 4/3, म्यू है 4/3, म्यू कितना है 4/3, तो ये 12 और 4/3 का स्क्वायर 16/9, 16/9 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 12, 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 - 9/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 12 × 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 16 में से 9 चले गए तो 7, तो इसके रेडियस होगी 36/√7, 36/√7। उस सर्कुलर होल की रेडियस कितनी होगी जिससे फिश बाहरी दुनिया को देखती है, 36/√7, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। या तो आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, तो आसानी से आप फॉर्मूले की मदद से इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, शोन इन द फिगर हियर इज ए कन्वर्जेंट लेंस प्लेस इनसाइड अ सेल, एक सेल के अंदर इस लेंस को रखा गया है फिल्ड विद ए लिक्विड, जो कि लिक्विड से भरा हुआ है। द लेंस हैज फोकल लेंथ 20 cm व्हेन इन एयर एंड इट्स मटेरियल हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। इफ द लिक्विड हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो आपको लेंस दिख रहा है ये एक्चुअली 3 लेंसेस से मिलके बना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो ये लिक्विड का लेंस है,
ये एक लेंस हो गया, लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है प्लस, बीच में ये एक लेंस है, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा। ये आपका कौन सा लेंस हो गया? तीसरा। ये भी लिक्विड का लेंस है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है, अगर हमें कैलकुलेट करनी है, इस कॉम्बिनेशन की अगर हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम मान लें इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है, इसकी F3 है, तो हमारा जो आंसर है 1/F=1/F1+1/F2+1/F3 होगा। तो सबसे पहले हमें ये तीन जो लेंसेस है ये हमें निकालने हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा ये आपको लिक्विड और क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये है आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस, ये भी है आपका प्लेनो कॉन्केव लेंस, और लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके दोनों कर्वेचर की जो रेडियस है वो क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हम इस आर को कैलकुलेट करना चाहेंगे। हमें दिया हुआ है इसकी फोकल लेंथ 20 है और म्यू कितना है? 1.5। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका लेंस हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई प्लस आर, और इसकी हो गई माइनस आर, और म्यू दिया हुआ है 1.5। तो 1/F = μ-1, 1/R1 - 1/R2। तो ये तो दिया हुआ है आपका। अब देखिए, ये दिया हुआ है आपको 20, म्यू दिया हुआ है 1.5 - 1, ये हो गया 1/+R, और ये हो गया -R। तो ये हो गया 1/20, ये हो जाएगा आधा, और ये हो जाएगा 2/R। तो R की वैल्यू आ गई आपकी 20। R की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब हम इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा लिक्विड का लेंस है, और इसका म्यू क्या दिया हुआ है आपको? 1.6। पहला सरफेस प्लेन है, इसलिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। दूसरे की है प्लस 20, क्योंकि राइट साइड में होगी प्लस 20। तो अब इसका फोकल लेंथ निकाल दीजिए, F2 μ-1 1/R1 - 1/R2 1.6 - 1, और ये हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया प्लस 20। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी 0.6 × -1/20, तो ये हो गया हमारा -6/200। तो F2 आ जाएगा -100/3। अब तीसरा लेंस, इसका जो पहला सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है -20, और दूसरे की है इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ F3 1.6 - 1 1/-20, और ये इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा F3 उतना ही आएगा, -1/20। तो F3 भी आ जाएगा -200/6। तो आप इसको लिख सकते हैं, 200/6 को आप लिख सकते हैं 100/3। बस आगे का काम आसान है। जो बीच का लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो दी गई है, तो निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F1 1/F2 1/F3। तो ये हो गया आपका -100/3, ये हो गया 20, ये हो गया -100/3। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा -3/100 + 1/20 - 3/100। जोड़ लीजिए
जोड़ने पे आएगा माइनस 6/100 प्लस 1/20 और सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए 100, तो माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1/100, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी होगी? माइनस 100 सेंटीमीटर। माइनस 100 सेंटीमीटर का मतलब है कि फोकल लेंथ की वैल्यू है 100 और माइनस उसका नेचर है, तो नेचर होगा डाइवर्जिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर 100 होना चाहिए, तो देखते हैं माइनस 100 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। और ये आपके प्रीवियस ईयर के कुछ मेडिकल एंट्रेंस के टेस्ट से ही लिया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो तीन लेंसों से मिलकर हम इसे मान सकते हैं, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। ओके, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एफ बाय 3 लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। अब आगे पढ़ते हैं, वन एंड ऑफ इट्स मैग्निफाइड इमेज, उसकी इमेज का एक सिरा टचेज एन एंड ऑफ द रॉड, रॉड के एक सिरे को टच करता है, द लेंथ ऑफ द इमेज इज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 3 स्टार आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर बना लिया और ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, और यहां पर एक रॉड रखी हुई है जिसकी लेंथ है एफ बाय 3। कितनी लेंथ है? एफ बाय 3। तो मान लीजिए ये रॉड हो गई, इसको हम बोल देते हैं, रॉड को नाम दे देते हैं ए बी। अब रॉड की इमेज बनती है, रॉड की क्या बनती है? इमेज बनती है, और इमेज का एक सिरा रॉड के एक सिरे को टच करता है, तो ये हो गया हमारा इमेज। तो बी का इमेज, बी का जो इमेज बना वो बी पर ही बन गया, तो ये से हम बोल सकते हैं ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो 2F पर, तो इमेज भी कहां बनती है? 2F पे बनती है, तो बी की इमेज बन गई बी डैश। इमेज का एक सिरा और ऑब्जेक्ट का एक सिरा दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और ये हो गया ए डैश बी डैश। अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। तो बी का तो समझ में आ गया कि बी की इमेज कहाँ बन रही है बी डैश पर, बी कहाँ रखा हुआ है 2F पर रखा हुआ है, तभी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी 2F पर। अब फॉर ए, अब हमें ए की इमेज कहाँ बनती है इसे पता लगाना है। देखिए, ए की मिरर से जो डिस्टेंस होगी, इतना डिस्टेंस है 2F और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है हमारी F बाय 3, तो ये डिस्टेंस होगा 2F माइनस F बाय 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5F/3। तो अब हम कह सकते हैं कि ए मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 5F/3, तो फॉर ए यू इज व्हाट माइनस 5F/3। वी निकाल लेते हैं कहां इमेज बनेगी, मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1/u प्लस 1/v, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए ये माइनस एफ होगा, ऑब्जेक्ट पता है माइनस 5F/3 प्लस 1/v, तो अब क्या होगा माइनस 1/f माइनस 3/5F प्लस 1/v, ये जुड़ जाएगा 3/5F माइनस 1/f इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लीजिए 5F 3-5, तो v की जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 5F/2। तो a की इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगी, a की इमेज मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगी, देखिए ये मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगी 5F/2 डिस्टेंस पर बनेगी। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बहुत क्लियर बात होगी, डायग्राम देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश, ये मान लेते हैं पोल है पी,
देखिए ये पॉइंट क्या हो गया, मिरर का पोल हो गया। ओके तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश। डायग्राम देखो, हम इसको लिख सकते हैं पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश में से पी बी डैश को माइनस कर देंगे तो साइज ऑफ इमेज मिल जाएगा ए डैश बी डैश, पी ए डैश है 5f/2 और पी बी डैश है 2f, 5f/2 में से 2f माइनस कर दिया तो ढाई में से दो चला गया तो हमें मिला आधा f/2। तो इमेज का साइज कितना होगा, इमेज का साइज कितना होगा f/2। बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिए, इमेज का साइज कितना होगा f/2। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के एक सिरे की इमेज वही बनती है जहां पे ऑब्जेक्ट का एक सिरा है। तो ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है। हम जानते हैं मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो इमेज भी कहां बनती है, 2f पर ही बनती है, ऐसा तभी संभव है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको ध्यान रखिए, डायग्राम से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि भाई बी का इमेज कहाँ बना, वही बना जहां बी रखा हुआ था, तो वो बी की डिस्टेंस पता चल गई 2f। पर ए की इमेज कहाँ बनी, ये ए है, मान लिया ए की इमेज कहाँ बनी, ए डैश, तो ए की डिस्टेंस कितनी थी मिरर से, 5f/3। तो ए की इमेज की डिस्टेंस निकाल ली, कितनी आई, 5f/2। बस फिर आगे का काम क्या था, आसान था, हम उसे निकाल सकते थे। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर है, इसे नोट करें। ओके, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस हम बना लेते हैं, ये हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बना लिया और एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले इमेज बना देते हैं, तो ये देखिए आपकी इमेज बना दी इसने ए डैश बी डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कैलकुलेट हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, यू ओ बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, वी ओ बोलेंगे। तो यू ओ दिया हुआ है, देखिए यू ओ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी दी गई है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस। अब लेंस फॉर्मूला यूज करो, तो लेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद आप वी ओ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये -5 हो गया, तो 1/4 + 1/5 = 1/VO + 1/5। अब ये इसको ट्रांसफर करिए, तो ये हो गया 1/4 - 1/5 = 1/VO। LCM ले लो 20, 5 - 4, तो VO की वैल्यू आ गई 20। अब आपको वीओ भी मालूम है, यू ओ भी मालूम है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 1 + d/f ही होता है जब इमेज कहाँ बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो वीओ है आपका 20, ये है आपका 5 और डी दिया हुआ है 20 और एफ ही दिया हुआ है 10। तो ये हो गया 4 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, ये हो गया 1 + 2। तो मैग्निफिकेशन हो गया 4 × 3, तो मैग्निफिकेशन का जो आंसर है वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 पे आप टिक कर सकते हैं, द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ये साधारण प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है, इसमें कैलकुलेशन है और आपको इसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है।
ठीक है, अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है, इसे आप नोट करें। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा दे। पहला आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल डिक्रीज। तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर लिख लेते हैं। टेलीस्कोप एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लिख लेते हैं। कंपाउंड, बहुत अच्छा सवाल है, माइक्रोस्कोप का एक जो लॉजिकल फॉर्मूला, एल अपॉन एफ ओ लेंथ ऑफ ट्यूब इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, जनरल फॉर्मूला लिख लिया। अब पहला आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, भाई अगर एफ ओ को आप बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। तो ये तो आंसर आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, नहीं, एफ ओ को बढ़ाने पर मैं मानता हूं कि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, पर माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले में एफ ओ डिनोमिनेटर में नीचे है, अगर हम एफ ओ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो ये बोलता है कि इंक्रीज, तो ये भी गलत आंसर है। अब तीसरे आंसर पे आते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, ये भी गलत है, क्योंकि एफ ओ को बढ़ाने पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी, पर इसकी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बोथ विल डिक्रीज। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाया गया है, तो ये जो आंसर कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, गलत आंसर हो गया। चौथा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, ये तो सही बात है, एफओ को बढ़ाओगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी, बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज, और एफओ को बढ़ाने पर टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। तो चौथा आंसर आपका क्या हुआ, सही आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सावधान रहे, काफी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट कर सकते हैं। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए एंड इमर्जेंस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, यहां पे दिया नहीं हुआ तो इसे लिखिए म्यू। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज नियरली इक्वल टू। अब चार आंसर है, तो देखिए सबसे पहले सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। एक रे प्रिज्म पर के एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है और दूसरे सरफेस से 90 डिग्री पर निकलती है, तो मेरी आपको एडवाइस क्या है, कुछ ऐसी एडवाइस है, आप मेरी एडवाइस को समझना। लाइट रे, अब उल्टा डायग्राम बनाइए 90 डिग्री पर, ये देखिए ये प्रिज्म बन गया। अब लाइट रे दूसरे सरफेस से 90 डिग्री पर निकलती है, ये ऐसे बन गया हमारा डायग्राम, और ये आई है। आप जानते हैं जब लाइट रे दूसरे सरफेस से 90 डिग्री पर निकलती है तो प्रिज्म की ज्योमेट्री आपको मालूम होना चाहिए, ये है आर वन, तो आर टू और ई दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए। हम जानते हैं ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो आर टू तो जीरो हो गया, तो ए इक्वल टू आर वन, तो ये जो एंगल है आपका ए होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ ए, छोटे एंगल के लिए हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं, आई, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ए, तो म्यू इक्वल टू आई अपॉन ए, तो म्यू ए इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, म्यू ए।
थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डायग्राम आप उल्टा बनाया करिए। प्रिज्म की ज्योमेट्री, जब भी लाइट रे प्रिज्म के किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री बनाए तो उस सरफेस से बनने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल है, इसको आप नोट करें। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास रॉड हैविंग स्फेरिकल एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द इमेज वुड बी फॉर्म्ड। तो देखिए, ये इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, लाइट रे जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी तो वो एयर से कहाँ जाएगी? ग्लास में जाएगी, पहली चीज। तो हमारा जो पहला मीडियम है, जो हमारा पहला मीडियम है वो एयर है, और दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, तो हम मान लेंगे कितना है 1.5। इमेज कहाँ बनेगी हमें नहीं मालूम। एयर पहला मीडियम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ऑब्जेक्ट एयर से में कितने डिस्टेंस पर है? 15। तो इसको लिख दिया -15। अब म्यू टू ग्लास 1.5, म्यू वन एयर -1, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दिखाई दे रही है? 30 सेंटीमीटर। और राइट हैंड डायरेक्शन में नापी गई है। कौन से डायरेक्शन में नापी गई है? राइट हैंड के डायरेक्शन में नापी गई है। तो इसको हम लिखेंगे +30। सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, ये हो गया +1/15, 1.5 -1 आधा, तो ये हो गया 3/2V +1/15 इक्वल टू 1/16। एक स्टेप में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो अगली स्लाइड पर जाते हैं। 3/2V + 1/15 इक्वल टू 1/16। अब 3/2V इसको ट्रांसफर कर दो, -15। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 60 आएगा। 1 -4 -3/60 -3/60, ये आपका 20 बार कट जाएगा, तो ये आ गया -1/20। तो 3/2V इक्वल टू -1/20, 60 इक्वल टू -2V, वी इक्वल टू -30। तो ये देखिए, ये इसका आंसर आ गया, वी इक्वल टू -30। माइनस का मतलब लेफ्ट में। तो बस प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना, आपको ये वाला आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। स्फेरिकल सरफेस एंड रिफ्लेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओवरऑल रे ऑप्टिक्स एक सिंपल चैप्टर है, पर इसमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूले क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो प्रैक्टिस की क्या है जरूरत है, तो बिल्कुल सावधानी से प्रैक्टिस करिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर सकते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.6 Has radius of curvature 15 सेंटीमीटर each। ये हो गया R1 +15 और ये हो गया R2 लेफ्ट की तरफ -15। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स
1.63। जब इसे 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में पूरी तरह डुबो दिया जाए, इमर्स कर दिया जाए, तब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये लिक्विड में हमने इसको रख दिया। तो अब देखिए, जो लाइट रेज होंगी वो लिक्विड से किस में जाएंगी, लेंस में जाएंगी। लिक्विड से किस में जाएंगी, लेंस में जाएंगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड म्यू एल म्यू जी माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। एल म्यू जी को हम लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू जी है 1.6, ये है 1.63 माइनस वन, ये है प्लस 15 और ये है माइनस 15। तो यहाँ एलसीएम लिया आपने 1.63, 1.63 माइनस 1.63 इंटू 2/15। अब कैलकुलेशन वाला सवाल है और थोड़ी यहाँ देखिए एक छोटी सी हम गलती कर रहे हैं। तो ये 1.6 होगा। अब ये ठीक हो गया। तो भाई 1.60 में से माइनस 1.63, 10 में से 3 गए 7, 9। तो वन अपॉन एफ और ये 0.03 आ जाएगा, माइनस 0.03 1.63 इंटू 2/15। डेसिमल हटा दो, कई बार सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो जाती है। तो ये डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं, तो ये डेसिमल हट गया और यहाँ पे भी हट गया 1.63 इंटू 2/15। अब ये तीन इसको काट देगा कितनी बार, 5 बार। तो 1/f आ जाएगा, 1/f आ जाएगा 1/163 इंटू 2/1, 2/5। तो f आ गया 163 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 15, एक बचा 31, 3 बचा 8, 15 2/2। तो अब आप देखिए f कितना आ जाएगा, 815/2। तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है साइन का भी हमें ध्यान रखना है, ये माइनस साइन है यहाँ पर, इसको ये देखिए ये माइनस साइन है। तो -407.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं कौन सा आंसर हमें मिलता है। ये कैलकुलेशन की वजह से ये सवाल बड़ा अच्छा हो गया। ये देखिए लगभग सही करेक्ट आंसर को हम लगा सकते हैं। तो फिर से आप इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1.6 से 1.6 तो माइनस कर दिया, तो 0.03 ज़्यादा है, तो 0.03। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, 0.03 आ गया। डेसिमल हटा दिए, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, दो नंबर थे, 6 और 3। यहाँ डेसिमल के बाद 0 था और 0 के बाद कितना था, 3 था। तो 3 आ गया, 3 से 5 कट गया, तो ये बचा माइनस 2/163 × 5। और पलट लिया तो 163 × 5 मल्टीप्लाई करा, -815/2 -407.5। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट करिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन t1 सेकंड इन एयर एंड 10x डिस्टेंस इन t2 सेकंड इन ए मीडियम, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम विल बी। तो सबसे पहली चीज है कि एयर में स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल किया x और कितने टाइम में,
टी वन टाइम में, तो हमने लिख दिया वी एयर इक्वल टू एक्स अपॉन टी वन। उसके बाद मीडियम में हम मान लेते हैं स्पीड कितनी है वी एम, डिस्टेंस है टेन एक्स, और ये टाइम कितना लिया टी टू। तो देखिए इस तरह से आपने दो इक्वेशन बना लिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम विल बी एक्स अपॉन टी वन डिवाइडेड बाय टेन एक्स अपॉन टी टू। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स बाय टी वन इधर लिया और ये टी टू ऊपर चला जाएगा, फ्रैक्शन पलट जाएगा टेन एक्स, तो एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम हमें मिला टी टू अपॉन टेन टी वन। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम अभी हमने निकाला, कितना निकाला टी टू अपॉन टेन टी वन, टी टू अपॉन टेन टी वन, इसको हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ मीडियम। तो म्यू ऑफ मीडियम हो गया हमारा टी टू बाय टेन टी वन, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, टर्म्स को ट्रांसफर करना है, साइन इधर आ जाएगा और बाकी ये वाले सारे टर्म्स हैं राइट में चले जाएंगे, तो पलट जाएंगे राइट में जाके टेन टी वन अपॉन टी टू। तो साइन सी आ गया आपका टेन टी वन अपॉन टी टू। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, साइन इनवर्स टेन टी वन अपॉन टी टू। सरल सवाल है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसका अब आंसर देखते हैं। थर्ड आंसर क्या हो गया इसका, राइट आंसर हो गया। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए, ये जो मेन फॉर्मूला है ठीक है, तो म्यू मीडियम हम जानते हैं, स्नेल्स लॉ से हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको बहुत सुपर इंपॉर्टेंट की आप कैटेगरी दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेके पहले आप इसे नोट करिए। ओके, अब हम इस सवाल को पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये रिफ्रेक्टेड रे हो गई, तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखिए, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये हो गई हमारी रिफ्रेक्टेड रे। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर रिस्पेक्टिवली आर एंड आर डैश। तो ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। देन द क्रिटिकल एंगल विल बी, तो ये देखिए अब इस सवाल का जो डायग्राम है हम यहां पर फिर से बनाएंगे और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहां पे आपने ड्रॉ किया नॉर्मल, लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया मतलब वापस उसी मीडियम में लौट गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दिया हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रे रिफ्रैक्ट हो गई, और ये दिया हुआ है हमारा आर डैश, और ये कहा गया है ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो पॉइंट नंबर वन, हम जानते हैं एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का एडिशन कितना होता है आर, देखिए ये आर लिया
प्लस 90, और ये लिया हमने आर डैश, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू 90 डिग्री. आर प्लस आर डैश कितना आ गया? 90 डिग्री. अब दूसरी बात, रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो आई किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा. अब हम आंसर्स पे जाते हैं. या तो आंसर आई के टर्म्स में दिया हुआ है, या आंसर किसके टर्म्स में दिया गया? आर के टर्म्स में. तो हम देखते हैं कि कोई भी आंसर आर डैश के टर्म्स में नहीं दिया गया, तो अब हमें करना क्या चाहिए? यहीं से हमें आइडिया मिलता है. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई आर डैश किसके बराबर होगा? 90 माइनस आर के बराबर होगा. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आर डैश क्या होगा? 90 माइनस आई के बराबर होगा. अब हम स्नैपशॉट लगाएंगे. लाइट रे डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर में जा रही है, तो इसलिए स्नैपशॉट लगाते वक्त हमें लिखना पड़ेगा डी म्यू आर डेंसर टू रेयरर साइन आई अपॉन साइन आर डैश. और आर डैश किसके बराबर है? 90 माइनस आर, 90 माइनस आई. तो अगली स्टेप में डी म्यू आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई. साइन 90 माइनस सीटा होता है कॉस सीटा, तो ये हो गया साइन आई अपॉन कॉस आई. पर अब हम जानते हैं रिफ्रेक्शन की थ्योरी से कि 1 म्यू 2 को अगर हम पलट के नीचे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 म्यू 1. तो यहां पे हम यही करने वाले, डी म्यू आर को हम लिख देंगे आर म्यू डी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए जब हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं म्यू इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर. इसलिए पलटा साइन आई अपॉन कॉस आई. और आप जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्रिटिकल एंगल साइन आई अपॉन कॉस आई टेन आई. तो अब सवाल ऐसा हो गया भाई, साइन सी किसके बराबर हो गया? टेन आई के बराबर हो गया. तो सी किसके बराबर हो गया? ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स टेन आई के बराबर हो गया. तो ये देखिए कितना अद्भुत प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है, और कितनी सफाई से उसको आपको करना पड़ेगा आंसर को देखते हुए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है साइन इनवर्स टेन आई होना चाहिए, साइन इनवर्स टेन आई, द थर्ड आंसर इज राइट. अब मैं चाहता हूं कि एक बार आप और स्टेप्स को देख लें कि आपने उसे प्रॉपरली नोट किया है कि नहीं किया है. और ये फाइनल स्टेप्स हमने यहां पर लाए, और यहां के बाद हम ये यहां पर आ गए. बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अब ये देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करिए. ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा. आप पढ़ते हैं, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8. तो ये दिया हुआ है हमें डब्ल्यू म्यू जी इज 9/8. इफ द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 5400 एंगस्ट्रॉम, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास आर. तो बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस सवाल है. तो देखिए आपको क्या याद रखना है, देखिए डब्ल्यू म्यू जी इज 9/8, तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू 9/8. हमेशा याद रखिए म्यू इंटू वी हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट होता है. इसका मतलब होता है म्यू वन वी वन इक्वल टू म्यू टू वी टू. तो वन हम ले लेते हैं ग्लास वेलोसिटी इन ग्लास, म्यू
सेकंड हम ले लेते हैं वाटर के लिए, वेलोसिटी इन वाटर। अब यहां से हम देखते हैं कि इस म्यू जी को हम लिख देते हैं 9/8। ध्यान दीजिएगा स्टेप पर, 9/8 म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन था म्यू जी वी जी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू। तो म्यू जी को हमने लिखा 9/8 म्यू डब्ल्यू वी जी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू वी डब्ल्यू। ये कैंसिल हो गया। अब 9/8 वी जी इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर। अब वेलोसिटी इन वाटर दी गई है 2.25 इंटू 10^8। तो 9 वी जी विल बी 2.25 इंटू 8 इंटू 10^8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 40, 4 बचा 16 4 20, 2 बचा 18, तो 18 आ जाएगा ये। तो VG विल बी 18/9 इंटू 10^8। तो ग्लास में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो मेन बात यह है कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं चाहता हूं आप इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह वेवलेंथ के लिए भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, म्यू लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, म्यू वन लैम्डा वन इक्वल टू म्यू टू लैम्डा टू। वन हम ले लेते हैं ग्लास, ओके म्यू जी, एंड दिस विल बी लैम्डा जी, एंड म्यू डब्ल्यू लैम्डा डब्ल्यू। अब पिछले इक्वेशन को हम यूज करेंगे, म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, 9/8 म्यू डब्ल्यू। तो इसको हमने लिखा 9/8 म्यू डब्ल्यू इंटू लैम्डा जी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू लैम्डा डब्ल्यू। कंसेप्ट से करना चाहिए। तो ग्लास में जो वेवलेंथ होगी वो पानी की वेवलेंथ का क्या होगा, 8/9। अब पानी की वेवलेंथ देख लेते हैं, पानी में वेवलेंथ दी गई है, वाटर में वेवलेंथ दी गई है 5400 एंगस्ट्रॉम। तो ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो ग्लास में वेवलेंथ होगी 8/9 इंटू 5400। अब 9 इसको काट देगा, 9 6 600, तो लैम्डा जी होगा 8 × 600। तो देखिए ग्लास में जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हमने ये इस सवाल को कर लिया, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहां मैं एक आंसर के करेक्शन की जरूरत समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस आंसर को करेक्ट कर लीजिए, और इस आंसर को हमें पढ़ना चाहिए 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मिसप्रिंट है तो उस मिसप्रिंट को सुधार लीजिए, 4800 एंगस्ट्रॉम। तो बस दो बातें याद रखनी चाहिए, म्यू लैम्डा इज कॉन्स्टेंट एंड म्यू वी इज कॉन्स्टेंट। तो ऐसे सवाल हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप और नोट कर लीजिए। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट करिए। अ डाइवर्जेंट लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस, एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 0.5। तो सबसे पहली बात है डाइवर्जेंट मतलब कॉनकेव, वर्चुअल इमेज बनाएगा। मैग्निफिकेशन 0.5 दिया मतलब कितना दिया है, 1/2। व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तब मैग्निफिकेशन कितना होता है, 0.5। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस टेन सेंटीमीटर, द फोकल पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई यू, और यू दिया हुआ है यहां पर -10, तो वी होगा -10/2, कितना होगा -5 सेंटीमीटर। अब यू और वी दोनों मालूम चल गए, तो लेंथ फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, 1/v - 1/u। ये हो गया -1/5 और ये हो गया -1/-10, ये हो गया 1/10 - 1/5। एलसीएम ले लो, ये हो गया 1 - 2, ये हो गया -1/10, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -10 सेंटीमीटर। तो पावर का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कब यूज करते हैं, जब एफ किस में हो, इन सेंटीमीटर, ध्यान रखिए। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी -10, तो पावर होगी इसकी -10, तो इस लेंस की पावर कितनी होगी -10। तो पावर पूछिए, पावर मतलब फोकल निकाल लो, तो पावर भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर -10 होगा। तो रे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है इन जितनी भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं रिकैप सीरीज के, इससे आपको अपने रिवीजन में मदद मिली होगी, बस हमारा यही प्रयास है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इट, फिर मिलेंगे रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में, और रिवीजन की जो प्रोसेस है उसको जारी रखेंगे, क्योंकि पास होना जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, फिर मिलते हैं, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।